नमस्कार, मैं शालिनी भास्कर, लेक्चरर CDDM कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, TTC के तहत चल रहे वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ प्लेन ब्लाउज। प्लेन ब्लाउज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्लाउज़ हमारा जो भी महिलाएं हैं उनके अपर पार्ट का एक पोर्शन होता है, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, चोली टाइप होती है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं वो इस ड्राफ्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मेज़रमेंट लेते हैं। मेज़रमेंट हमने लिए हैं, इसमें टोटल जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंचज़ है, बस्ट हमारा 32 इंचज़ है, वेस्ट हमारी 24 इंचेस है, क्रॉस बैक हमारी 13 इंचेस है, बस्ट पॉइंट हाइट हमारी 9 इंचेस है, बस्ट पॉइंट विड्थ हमारी 7 इंचेस है, स्लीव लेंथ हमारी 5 इंचेस और स्लीव बॉटम हमारा 10 इंचेस है। सबसे पहले हम जो इसका फ्रंट पोर्शन बनता है वो किस तरीके से बनता है वो देखते हैं। हम 0 to 1 हमारी जो भी ब्लाउज़ की लेंथ है, फुल लेंथ हमने 14 इंचेस ली है, प्लस हमने 0 to 1 हमारा फुल लेंथ जो हमने लिए है, ठीक है, प्लस 2 इंचेस लिए हैं, और जो हमारा 0 to 2 हमारा रहता है वो हमारा 1/4 बस्ट प्लस माइनस, जो 1/4 माइनस 1.5 इंच, जबकि हमने इसका बस्ट पॉइंट जो बस्ट हमारा हमने 32 लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने 1/4 बस्ट माइनस हमने 1.5 इंच लिया है। इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं? यदि हमारा बस्ट का मेज़रमेंट 28 से 29 इंचेस है, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा 0 to 2 वाला पोर्शन है वो हमारा 1/4 बस्ट माइनस 1/2 इंच रहेगा। इसी तरीके से अगर हम 30 to 31 इंचेस लेते हैं तो हमारा 0 to 2 पोर्शन हमारा कितना रहेगा, 1/4 बस्ट माइनस 1 इंच रहेगा। यदि हम 32 to 33 इंचेस लेते हैं साइज़, तो हमारा 0 to 2 हमारा कितना रहेगा, 1/4 बस्ट माइनस 1.25 इंचेस, है ना। और इसी तरीके से अगर 34 इंचेस से हम 36 इंच लेते हैं, तो हम बस जो हमारा 0 to 2 हमारा बस साइज़ लेते हैं, क्या कहते हैं, 1/4 बस्ट माइनस 1.5 इंचेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर यदि हम 37 to 38 इंचेस लेते हैं बस्ट किसी का है, तो 0 to 2 हमारा, 0 to 2 हमारा कितना रहेगा, 1/4 बस्ट माइनस 2 इंचेस रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 to 3 जो हमारा पोर्शन रहता है, 2 to 3 हमारा कितना है, 1/4 बस्ट प्लस 3/4 इंच हम इसका इज अलाउंस लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 0 to 4 हमारा हाफ अक्रॉस बैक, जो भी हमने क्रॉस बैक लिए उसका हाफ पोर्शन रखते हैं। अब 2 to 5 हमारा क्या होता है, 2 to 5, तो जो भी जितना भी हाफ अक्रॉस बैक है उसमें हम क्या करते हैं, माइनस 1/2 इंच कर देते हैं। जो भी है, मान लो अगर हमारा क्रॉस बैक हमने लिया था 13 इंचज़ लिया है, तो हमारा इसका हाफ कितना हो गया, उसको हम हाफ करके इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस 1/2 इंच कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 1 to 6 है, 1 to 6 हमारा कितना है, 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर डार्ट विड्थ। तो हमने क्या किया, इसके लिए जो हमारी जो भी वेस्ट है उसमें से हमने, उसमें प्लस हमने डार्ट के लिए 1.5 इंच रखे हैं। अब हम करते हैं 0 to 7, 0 to 7 हमारा 1 to 12 बस्ट है, जो भी हमारा 1/12 बस्ट है वो लेते हैं। फिर यदि हमारा 3 इंचेस से ज़्यादा आता है तो हम नहीं लेते, क्योंकि हम इसको 3 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं लेते। अब क्या करते हैं हम, 0 to 8, 0 to 8 हमारा 0 to 8 हमारा 1/12 बस्ट प्लस 1 इंच, या फिर अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस, जो भी आपका नेक आपको लेंथ रखनी है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। लेकिन हम
8 इंच से हम फ्रंट जो पोर्शन रखते हैं वो कभी भी 8 इंच से ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं 7 to 8 विथ कफ और फ्रंट नेक लाइन। अब हमारा 4 to 9, 4 to 9 हमारा क्या होता है, शोल्डर स्लोप रहता है हमारा हाफ इंच का। अब हमारा 5 to 10, 5 to 10 कितना लेते हैं, 1 इंच या फिर 1.25 इतना हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इतनी दूरी रखते हैं इसकी। अब हम जॉइन क्या करते हैं, इसको जॉइन करते हैं 9, 10 एंड 3 फॉर फ्रंट आर्म होल शेप के लिए। अब क्या करते हैं, अब ये पोर्शन तो हमारा ऊपर का पोर्शन बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमने डार्ट बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कैसे डालनी है, वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। 0 to X डैश जो लेते हैं, जो बस्ट पॉइंट हाइट जो हमने ली है, बस्ट पॉइंट हमारी कितनी है, बस्ट पॉइंट हाइट हमारी है 9 इंचेस, ठीक है। बस्ट पॉइंट हाइट ले ली, फिर हमने उसके बाद में क्या किया, 0 to X हमारा हो गया, 0 to X हमारा हो गया, बस्ट पॉइंट हाइट हो गया। और X to X डैश जो भी ये हमने लिया है, यहाँ से ये पोर्शन से यहाँ पोर्शन तक हमने लिया है हाफ बस्ट पॉइंट जो भी विड्थ है, जो भी हमने बस्ट पॉइंट विड्थ हमने कितनी है 7 इंचेस लिए, 7 इंचेस का जस्ट हमने हाफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11 to 12 जो हमारा 11 to 12 है, वेस्ट डार्ट लेंथ दैट इज़ द क्या करते हैं इसको हम, दैट इज़ हाफ 1.5 इंच लेते हैं किसे, बस्ट पॉइंट जो हमारी रहती है उससे नीचे की तरफ, ठीक है। 2 to 13 हमारा कितना रहता है, 1/12 बस्ट प्लस 1 इंच, जो भी हमारा पोर्शन लगे उसको हम 1/12 बस्ट लेकर के प्लस 1 इंच कर देंगे। अब 13 to 14 हमारा क्या रहेगा, सेंटर फ्रंट डार्ट लेंथ हमारी है, ये टोटल हमने जो ली है, क्या करा हमने 3.5 इंचेस के लिए हमने, और इसकी जो डार्ट विड्थ है टोटल हमने हाफ इंच ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 to हमने डार्ट विड्थ ले ली। अब हम 3 to अब कहाँ गया, ये हमारा 3 to 15, 3 to 15 हमारा हमने लिया है 1/8 बस्ट प्लस 1.5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है कितना, 1/8 बस्ट प्लस 1.5 इंचेस। अब 15 to 16 हमारा साइड वेज डार्ट लेंथ है, और हमारी डार्ट विड्थ हमारी कितनी है इसमें, 3/4 इंच ली है। और फिर हमने क्या किया, 10 to 17 आर्मोर डार्ट ली हमने, 10 to 17 हमारा आर्मोल डार्ट लेंथ, और इसकी हमने जो विड्थ ली है 1/4 इंच ली है। तो अब जब हम क्या करते हैं, शुरू में जो हमने जो भी ब्लाउज की लेंथ ली थी उसमें प्लस 2 इंचेस रखे थे, अब प्लस 2 इंचेस लिए तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा सारा का सारा ये जो चारों डार्ट डली है इनमें ये शिफ्ट हो जाएगा सारा का सारा। जैसे हमने इसकी 3/4 ली है, इसकी हमने 3/4 ली है, 1 इसका हमने 0.25 इंचेस लिए, ऐसे करके हमने सारी की सारी ये डार्ट जो हमने बनाई जो भी ली हमने उनमें हम पूरा का पूरा 1 इंच हमारा जो भी डार्ट हमने लिया वो उसमें आ जाती है काम में। अब हम क्या करते हैं, इसका हम सेकंड पोर्शन लेते हैं, बैक पोर्शन, वो किस तरीके से बनता है वो हम देखते हैं। अब हम डार्ट जो बैक पार्ट पोर्शन बनाया है इसका, ठीक है, वो हमारे एक तो ऑन फोल्ड में बनेगा, और ये हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट ग्रेन में रहता है हमारा ये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अब हमने क्या किया, 0 to 1 हमने जो भी लेंथ ली, 0 to 1 हमारी टोटल लेंथ है, उसमें प्लस 1 इंच करते हैं, जैसे हमने फ्रंट में 2 इंचेस किया था। अब इसमें क्या करते हैं, 0 to 2 हमारा 1/4 बस्ट माइनस हमने 1.5 इंचेस लिया, क्योंकि हमने इसका बस्ट साइज हमने लिया है 30, हमने इसका 36 इंचेस लिया है, कितना लिया, 32 इंचेस, बस हमने 32 इंचेस लिया है। अब हम क्या करते हैं, 0 to 2 हमारा हो गया,
अब 2 to 3 हमारा, 2 to 3 हमारा 1/4 बस्ट प्लस 0.75 इंचेस ले लेंगे। अब हम 0 to 4 की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ हाफ हमारा क्रॉस बैक रहती है इतनी भी, अब 2 to 5 हमारा रहता है। अब पहले हमने क्या किया था, उसमें माइनस हाफ इंचेस किया था क्रॉस बैक में, अब इसमें हमने प्लस हाफ इंच करना है। अब 1 to 6 हमारा कितना रहेगा, 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंचेस फॉर टॉट, ठीक है। अब 0 to 7 हमारा रहेगा ये जो पोर्शन हमारा, 1/12 बस्ट रहेगा, और अगर यदि हमारा 3 से ज़्यादा आता है तो हम इसको 3 से ज़्यादा नहीं लेते। अब हम कहते हैं 0 to 8 हमारा 1/12 बस्ट प्लस 1 इंच, या फिर अकॉर्डिंग टू चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है। हम कहते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हम चाहें बैक पोर्शन तक ले सकते हैं। ये जो भी हम ब्लाउज बनाते हैं इस पर भी एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि अब बैक पोर्शन जब हम बड़ा बनाते हैं तो किस तरीके से हम शोल्डर में हम ऐड करते जाते हैं, और आर्मोल में हम मतलब आर्मोल से यहाँ पे ऐड करते जाते हैं और इसमें से हम माइनस करते जाते हैं जब हम पोर्शन बड़ा बनाते हैं। तो इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, 0 to 2 हमारा फिर उसको हम 7 to 8 कर्व शेप के लिए ज्वाइन कर देते हैं। अब 4 to 9 हमारा हाफ इंच जो कि हमारा शोल्डर स्लोप रहता है, 10 हमारा मिड पॉइंट रह गया इसके लिए, 9 to 5 से यहाँ से यहाँ तक, ठीक। 1 to 11 हमारा रहेगा हाफ बस्ट पॉइंट जो भी विड्थ है वो, इसको हम एक फॉर्मूला और भी होता है कि हम इसमें 1/12 बस्ट प्लस 1 इंच भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब 11 to 12 जो हमारा रहेगा टोटल हमारी 2.5 और 3 इंचेस रहती है बस्ट लाइन से, जो भी हमारा बस्ट लाइन आती है। इस तरीके से हमारा बैक पोर्शन रेडी हो जाता है। इसे हम ऑन फोल्ड में कट करते हैं, ये भी वन पीस में कट होता है क्योंकि ऑन फोल्ड में रहती है। अगर हम इसमें अगर बैक पोर्शन में हम प्लैकेट लगाना चाहते हैं तो हम फिर इसको ऑन फोल्ड नहीं लेंगे, इसको हम फिर फ्रंट पोर्शन को ऑन फोल्ड में लेते हैं। इसके सीम अलाउंसेस हम देखते हैं, जो सेंटर फ्रंट पोर्शन हमारा होता है उसमें से उसको उसमें हम 1/4 इंचेस लेते हैं, साइड सीम में हम 1.5 इंच के आसपास लेते हैं, और बैक साइड सीम में 1 से 1.5 इंचेस का लेते हैं, और शोल्डर सीम जो हमारी रहती है 1/2 इंचेस की रहती है, वेस्ट लेंथ हमारी 1/4 इंचेस की रहती है। इस तरीके से हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।